पया के पेड़ में लगे हैं बैठने में भी। आए चलो 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 चलो, ये रहा दोस्तों सीतापुर। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है उत्तरकाशी से रासा। तो दोस्तों कल रात हम यहीं पर सोए थे, हमने खाना भी यहीं पर बनाया था स्टेशन पे। नदी है जो केदारनाथ से आ रही है। सुबह की चाय बनने लगी है, मगर बाल भी चले गया है, फिर दोबारा चले गया था यार, बच गया। चाय बन के तैयार हो गई है, ब्रेड भी खाते हैं। तो यार हमने नाश्ता करने के बाद सारा सामान लोड कर लिया है, जो सामान आगे रखा था वो सामान पीछे रख लिया है, जाते हैं यहाँ से भी आगे को बढ़ते हैं। रहा जो सामान हमने आगे शिफ्ट किया था वो सामान सब पीछे कट कर दिया है। अभी तो दिन की शुरुआत ही हो रही है, सुबह के 8 बजे हैं और जाम लगने लग गया है। अगस्त मुनि से आगे हैं और जाम बहुत भयंकर वाला लग गया है, कम से कम 1.5 किलोमीटर का जाम लग चुका है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, 1.5 घंटे से अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, फिर टाइम लग गया। मुश्किल से जाम से निकलने के बाद हम पहुंचे हैं कुंडो वाले स्थान पे। जो कुंडो वाली एरिया है वो कुंडो वाली एरिया है और इसमें बड़ा तालाब है, कोई प्रोजेक्ट है इस नदी पे और ये पानी को रोका गया है शायद, इसलिए यहाँ पे कुंडा नाम भी रखा गया है। कुछ जाम तो ये मशीन के वजह से भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। लगभग 10 किलोमीटर का जाम लग चुका है, काफी टाइम लगेगा खुलने में लग रहा है, दिन भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। पया के पेड़ में लगे हैं, पया पक चुका है और इसके फल बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। आड़ू भी तो लगे हैं लेकिन पर जा नहीं सकता, किसी और का है। काफी भूख लग गई है तो अब हम खा रहे हैं क्रीम रोल, यही था हमारे पास खाने के लिए, तो वो भी खा लिया है। हे हिसालू इनको खाते हैं हम। यार मुझे कुछ और नया फल जैसा मिल रहा है पर इसको नहीं खाता हूँ यार, रिस्क नहीं लेता हूँ। 10 घंटे हो चुके हैं जाम में फंसे हुए, तब से ना खाना खाया है ना कुछ, खाली बस 10 घंटे से, और 15 किलोमीटर ही आना था और 10 घंटे लग चुके हैं हमें 15 किलोमीटर आने में। सोनप्रयाग पहुंचनी है और बारिश होने लग गई है। फाइनली 6:30 बजे हम पहुंचने वाले हैं सोनप्रयाग में, बस 0.5 किलोमीटर बचा है, बस बाबा इसको भी जल्दी से पार करा दो 0.5 किलोमीटर, फिर तो हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, आराम करेंगे फिर खाना बनाएंगे। तो जब सुबह धूप नहीं आई थी तब रास्ता लग चुके थे सोनप्रयाग के लिए, चंद्रमा भी आ गए हैं लेकिन सोनप्रयाग नहीं पहुंचे हैं अभी तक। ये रहा दोस्तों सीतापुर। सीतापुर भी काफी अच्छा लग रहा है नाइट में, बहुत प्यारा सा ग्रह है और हमको इससे आगे जाना है अभी सोनप्रयाग में। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, अभी 30-35 किलोमीटर में 14-15 घंटे लग चुके हैं हमको यहाँ आने में। यहाँ का जो पार्किंग है वो मंजिला है, एक पार्किंग नीचे भी है जो ग्राउंड में है, नीचे फील्ड में, उसमें तो पूरे भरे हुए हैं गाड़ी, तो यहाँ पे ये रखने लग गए हैं, चाहो पार्किंग में ही बनेगा खाना। मिर्च काट ली है और टमाटर भी काट लिया है, अब बचा है प्याज काटना, ने तो प्याज भी काट लिया है। यहाँ पे हमारा दाल के लिए मसाला बन रहा है, आज के दाल मास्टर ये है। आज हमने 2-2 गैस जलाए हुए हैं, एक 5 लीटर का है और एक 2 लीटर का, दोनों में बन रहा है, एक में दाल बन रहा है एक में। कुछ लोग मंदिर के दर्शन करके अभी पहुंच रहे हैं, 10:30 होने वाला है और लोग अभी भी आते रह रहे हैं मंदिर से। अभी भूख लगी है, फटाफट डालो यार। हम तो सोए हुए नहीं है अभी तक, 12:30 होने वाला है, हम सोए नहीं है और लोग केदारनाथ जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, जाने भी लग गए हैं केदारनाथ के लिए अभी से। तो देखो हाँ लोग जाने लग गए हैं, 1 घंटा है हमारे पास आराम करने के लिए। हमारा टारगेट था 2 बजे उठने का पर हम 2 बजे नहीं उठ पाए, अब बज गए 6:30 बज चुके हैं, अब 6 बजे लाइन देखेंगे तो बहुत लंबी है। और बैग पैक करके निकलने लग गए हम अब केदारनाथ बाबा के पास। ज्यादा बिक रहे हैं ये वाले डंडे क्योंकि लोगों को सहारा चाहिए आने के लिए और जाने के लिए। रेलिंग लगाए हुए हैं क्योंकि लोग फैले ना, फैलने से और आफत आ सकती है। कहाँ जा रहे हो? पैक टमाक सी लेके चाचा ऊपर खाना बनाएंगे यार, क्योंकि सुना है ऊपर बहुत महंगा है। पहुंचने वाले हैं अब गाड़ियों के पास और काफी लंबी लाइन लगी हुई है, हमारे पीछे से इतनी बड़ी लाइन लग चुकी है। हमने सामान गाड़ी में रख लिया है, अब यहाँ से जाते हैं हम गौरीकुंड तक। तो जाते हैं अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं पीछे के डिग्गी में, मजा आ रहा है बैठने में भी। आए चलो 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 चलो, गाड़ी की सेवा समाप्त हो गई है, अब यहाँ से बैग पकड़ते हैं और निकलते हैं। यहाँ पर सारे ये वाले हैं
आदमी का वेट देख के रेट ले रहे हैं। जैसे अगर कोई 60-65 केजी का इंसान है तो उसका यहाँ से केदारनाथ का 12,000 रुपया किराया है। काफी तगड़ी वाली भीड़ लगी हुई है। घोड़े वाले हैं जो यहाँ पे अपनी सवारी ढूंढ रहे हैं। घोड़े वाले दोस्तों, वीडियो को इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।